मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्योंकि वैक्सीन जो सर कम जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा था उसमें मैं कुछ वैक्सीन को आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको जनरलाइज सीन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए तो पहले वैक्सीन लेते हैं, इसमें जो वैक्सीन वाइल होती है इसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में होती है, इसको हमें डायल्यूट करना पड़ता है नॉर्मल सलाइन से 1 ml। ये बीसीजी वैक्सीन है जिसको हम किससे डायल्यूट करते हैं, नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड। तो डायल्यूट करने के बाद में हम बीसीजी वैक्सीन को यूज़ करते हैं 0.5 ml एट बर्थ इंट्राडर्मली लेफ्ट अपर आर्म। ये बीसीजी वैक्सीन होगी जिसको हम डायल्यूट करते हैं सोडियम क्लोराइड में एट बर्थ, जिसकी डोज क्या रहती है 0.05। अगर एट बर्थ पे अपन ड्यूरिंग इन केस बच्चे को इम्यूनेशन नहीं कर पाए तब हम इसको नेक्स्ट 6 वीक्स में देते हैं तो उसकी डोज डबल हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि एट बर्थ पे डोज की काउंटिंग क्या है, और अगर हम एट बर्थ ना दे पाए तो आगे डोज क्या होगी। नेक्स्ट है आपके मेजर सीमेंट जो 9.3 जीती, जिसको डायल्यूट किया जाता है डिस्टिल वाटर में। डिस्टिल वाटर में कितनी ml लेते हैं, 2.5 ml लेते हैं। कैसे लगाते हैं, इंट्रा राइट अपर आर्म, ठीक है, इंट्रा मस्कुलर 9 मंथ में। और ये वैक्सीन है MMR मिजस रूबेला है वैक्सीन वाइल जिसको हम डायल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमोकोकल वैक्सीन या पॉलीसैकेराइड वैक्सीन जो हमें निमोनिया से प्रिवेंट करती है, इसको हम IM 0.5 डोज देते हैं। तो ये है आपकी न्यूमोकोकल वैक्सीन जिसका साइज अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, न्यूमोकोकल वायरस का जो साइज है ये रहता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो लीवर से संबंधित जो डिजीज होती है उनसे हमें प्रिवेंट करती है या प्रोटेक्शन देती है। तो ये है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस वैक्सीन हमें इम्यून शेड्यूल में 3 डोजेज में अकॉर्डिंग ऐड किया गया है, जो एक प्रोजेक्ट चला था इंद्रधनुष प्रोग्राम जिस अकॉर्डिंग इस वैक्सीन को ऐड किया गया था 6 क्लियर डिजीज के साथ। 6 क्लियर डिजीज कौन सी, DPT, डिप्टीरिया, पार्टोसिस, टेटनस, नेक्स्ट होगी तीन होगी PMT यानी निमोनिया, मिजल्स और टेटनस। तो ये 6 क्लियर डिजीज के साथ में हेपेटाइटिस बी को ऐड किया गया था, जिसकी डोज हम लगाते हैं IM 0.5 3 डोजेज। नेक्स्ट है आपके रोटावायरस जो डायरिया से हमें प्रिवेंट करती है, जिसको ओरली दी जाता है, इसकी 4 डोजेज देती है 0, 6, 10 और 14। यह है रूबेला वैक्सीन। ऊपर जो कैप है अकॉर्डिंग हटा के इसको हमें इन पेट्स को या वो देते हैं, इस पर कैप्स होती है, ये कैप्स देने के बाद में हमें इसको एसेंजी करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपके ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन साथ में इसके ऊपर जो बी वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो कि आप सीन कर सकते हो, एट बर्थ 2 ड्रॉप्स ओरली 2 ड्रॉप्स। नेक्स्ट है आपके पेंटा या DPT। पेंटा इसलिए क्योंकि ये 5 क्लियर डिजीज से हमें प्रिवेंट करती है, DPT प्लस हेपेटाइटिस बी एंड HB इम्यूनस इन्फ्लुएंजा। ये वैक्सीन आजकल मेरे शरीर में पेंटा वैक्सीन के नाम से भी जनरलाइज है। यह इस वैक्सीन की डोज भी सेम हुई रहती है IM 0.5 ml और 3 डोजेज। तो ये हो गई आपकी वैक्सीन लाइव। तो कुछ वैक्सीन जो अवेलेबल थी वो मैंने आपको सीन किया है। नेक्स्ट मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो भी इस इम्यूनेशन शेड्यूल जो टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ है उसमें जो क्वेश्चन है मैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग या वीडियो के बाद जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं भेज दूंगा या सेंड कर दूंगा। तो उन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखें, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे फीडबैक दें। थैंक यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।